केना महंगाई बा, संगीता यादव खमन देखला ही नहीं कैसन बाड़ी, आ नाला सब धस गेल, पानी भर गेल बा, रोड टूट गेल बा, कवन की कवन चीज चाहे जी कर में प्रधान रहली तब बनाई रहली तब शादी विवाह मरने का सब कर रही है, महिला का विरोध कर रही है, काहे नहीं कर चाहे तो कितवार केना नाला टूटल बा, पहले एक बार देखे ली महिला कम देखले नहीं कैसन बाड़ी। कौन सी सरकार किसान सम्मान निधि आज तक ले दिया, ये एक किसान डर रहे ये एक किसान काहे डरे, अरे सुनिए का सुने का सुने, अरे कई दिन किसान अपने घर को खाली रख के अपने गहने का गिरवी रख के बिछो अपने गहने को भी गिरवी रख के अपना खाद भी खरीदते थे, लेकिन उनकी इनकी हालत को देख के मोदी जी ने हर किसान को सम्मान निधि दे के 2000 रुपया 3 महीने लॉकडाउन में हम अपना पूरी पूंजी खा कर बैठ कर खा गए, लॉकडाउन में पूरी पूंजी बैठ कर खा गए, इसका घर से बेघर है, बेरोजगार है, कौन देखा हुआ तो कोई मुख्यमंत्री है, कोई देखना है हमको कोई ये बताइए, हजारों साल बाद ऐसा कोरोना को आया था 100 साल पहले आपको लेकर। मैं भी यादव हूँ, सुरेश यादव पूर्व प्रधान हूँ, अखिलेश यादव केवल प्रधान है जी, समाजवाद की बात करते हैं जो केवल परिवारवाद करते हैं, अगर मुलायम सिंह के लड़के हैं अखिलेश तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इनका लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, जो केवल परिवारवाद चलाते हो क्या समाजवाद को देखेंगे और जनता को क्या देखेंगे। हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती थी कभी देखने नहीं आए, इस सरकार में देखिए कुछ नहीं हुआ, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन कम से कम सरकार एक परिवार में 15 दिन खाने के लिए आटा से लेके चावल गेहूं आलू दाल सब्जी सब मुहैया कराया, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले नाइन कोरोना रहा है, अब कोरोना आयल बा, लाइनिक बिल माफ कराए, कड़ू तेल ना महंगाई बा, कबो संगीता यादव कम सपनों में नहीं देखल कैसन बाड़ी, ओटवा जे उठा तो टेक दिया जात रहा है, का चालू बाड़ी सुनी साइकिल के देलू के फूले के फूल एक जात रहली सर साइकिल से नहीं है, हमको भी है तो मतलब आईजी से डर रहे हैं क्या, नहीं क्यों डरेंगे हम, जनता है क्यों डरेंगे, यहाँ पे जो पूरा गांव में हम बता रहे हैं इतना राशन इतना कुछ हुआ अपने पास से बांट करके हम लोगों को दिए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, सरकार से नाराज हो व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे आदमी है, व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी है बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे ऐसे पूछा जाए आपको बोल नहीं दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, बोलिए आप बोलिए, हमको साइज मतलब नहीं है, हमारी एक बार गाँव में संगीता यादव किसी का हाल चल नहीं पूछी है, नहीं पूछी है कभी भी नहीं पूछी है, नहीं आई है हमारे घर कई दिन से बाहर हम लोग रह रहे हैं, अब्सेंट विधायक है, अब्सेंट एक बार भी अब्सेंट जनप्रतिनिधि हम लोग कैसे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, एक बार हाल चाल तो लेना चाहिए, बाढ़ के समय आया था सारे लोग सब लोग मदद करने के लिए आए, कोई के अलावा नहीं है, जब चुनाव होगा तो सब लोग दौड़ेंगे और उसके बाद कोई नहीं पूछे आएगा कि खाली सड़क का काम होता, खाली सड़क का घर और का कोनो मतलब नहीं बा, राशन कार्ड का कोनो मतलब नहीं बा, घर डूबल बा के उजाता कोनो नेता इनसे पूछो ना, बनाने जाते हैं किससे जाते हैं, 20,000 का मोबाइल हमरा सुनवा ना आने आता गलवानी में मिलवा ना गलत 20,000 का गरीब आदमी मोबाइल खरीद के आपको दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत अगर आपको किसान अगर फॉर्च्यूनर से चले तब दिक्कत है, कोई नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन हमें खुशी है लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, आधे लोगों के पास इसके पहले राशन कार्ड नहीं था, आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति राशन पाता है, सबके पास राशन कार्ड है और कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, सर सर राशन कार्ड में हमारे पास नहीं है, हम मछली बेच कर पेट चिलाते हैं, बताई चीजें ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं कराए होंगे, ऑनलाइन कराए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन हमारा घर भी है वो भी डूबा हुआ है, खेत है नदी किनारे है, क्या कर रही है सरकार ये, सर राशन कार्ड कुछ राशन कार्ड में सर पिछली गवर्नमेंट 20% जनता को राशन देती थी, वर्तमान गवर्नमेंट 80% लोगों को राशन देती है, ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी अच्छी है मगर लोकल जो जनप्रतिनिधि है विधायक सांसद अब्सेंट है सर, इस क्षेत्र में अब्सेंट है, मैं चैलेंज के साथ फिर सवाल आप ही से होगा, मैं ऐसा आरोप एक जगह से नहीं लग रहा है, चौरी चौरा के हर जगह से आरोप लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी मोदी का जो पॉलिसी है वो सही है, बीजेपी के समर्थक भी कह रहे हैं, लेकिन समर्थक यह भी कह रहे हैं अगर संगीता यादव को फिर से दोबारा टिकट मिला तो भाई हम बसपा के साथ चले जाएंगे, सपा के साथ चले जाएंगे, इस तरह की नाराजगी जूझ रहे हैं आप, देखिए हम लोग नाली नाला जहाँ गढ़ी गुढ़ा बा भरल बा आने जाने परेशानी है और वहू पे हमन के किसी ने बनल बा हमन के साइज क्यों नहीं कर रही है, वो कहा था ही वो तो कहा था ना, हां तो साइज करा नहीं पा रहे क्या, नहीं है
करी है तब हमसे महंगाई बा संगीता या तो हमन जखल ही नहीं कैसन बाड़ी आ नाला सब धस गए पानी भर गए बा रोड टूट गए बा कवन ची साहिज कर में प्रधान रही तबो नहीं रही तबो शादी विवाह मरने का सब कर रही महिला का विरोध कर रही है का नहीं करब जाई तक तू आर केना नाला टूटल बा पहले एको बेर देखे ले महिला कम जखले नहीं कैसन बाड़ी संगीता हम नहीं जखले गांव में आईली नहीं है कभी गांव में आईली नहीं संगीता आपके सामने आपकी विधायिका का लोग विरोध कर रहे हैं अब ये बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने आप ही के पार्टी के विधायक का विरोध सबसे बड़ी बात हम आपसे बता दें हम व्यक्ति के साथ नहीं है पार्टी के साथ है और योगी जी ने जो जो काम किया है जितना मजबूती के साथ किया है लोगों की ये होता है ये 3 बजे बंदा टूटता है हमने डीएम साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया था उसी बंदे से जोगिया बंदे पर हम लोग खड़ा होकर के फोन किए थे और अगले दिन ही 3 बजे परम पूज्य महाराज जी उस आपके जगह में आकर के और राशन वितरण करना शुरू कर दिया उनका नाव देना शुरू कर दिया। देखिए हम लोग योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए यहाँ यहाँ जो जैसा कर, का नहीं जो जैसा करेगा वो सब भरेगा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा संगीता जो भरेंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा है हम लोग बताइए 70 साल में ये दुआबा का क्षेत्र बाढ़गढ़ क्षेत्र रहा है बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री हुए थे कितनी बार वहाँ पे गए हैं। योगी जी की सरकार में 2 बार बाढ़ क्षेत्र आया था और दोनों बार योगी जी स्वयं घर घर गए थे और स्टीमर पर बैठ के गए थे। कोई मुख्यमंत्री आज तक गया है वो हम पूछना चाहते हैं पूरे देश की जनता से पूरे प्रदेश की जनता से बता दे कोई। लेकिन योगी जी ऐसा है वो स्वयं जाके घर घर सबका जायजा लिए और सबका स्टीमर पर बैठ के गए। आज तक कोई मुख्यमंत्री गया था चाहे वो बसपा का रहा हो चाहे सपा का रहा है ये लोग कह रहे हैं कि राशन नहीं है राशन समर्थक है हम जबस्तक नहीं है नहीं, जो सही है हम उसकी बात कर रहे हैं हम जो सही है उसकी बात कर रहे हैं। बता देना कि कौन सा मुख्यमंत्री किसी दरवाजे में बाढ़ क्षेत्र में गया था ये जो लोग कह रहे हैं हमको आवास नहीं है हमको राशन नहीं है ऑनलाइन बना हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी की सरकार में 15 करोड़ फर्जी राशन निरस्त किया गया है वो किसके खाते में पैसा जाता था बता दीजिए। हम पूछना चाहते हैं इन समाजवादियों से और बहुजनवादियों से 15 करोड़ इस पूरे देश में 15 करोड़ राशन फर्जी निरस्त हुआ है किसके खाते में जाता था कोई है इसका जवाब। रही बात रुकिए रुकिए खाली बात या खाली सरकार खाली बात एक फुसला देता नहीं था किसान कौन सी सरकार किसान सम्मान निधि आज तक ले दिया है ये एक किसान ये एक किसान कहे डरेंगे। अरे सुने अरे सुनिए कहा सुने कहा सुने अरे कई किसान अपने घर खाली रख के अपने गहने का गिरवी रख के बिछो अपने गहने को गिरवी रख के अपना खाद भी खरीदते थे लेकिन उनकी इनकी हालत को देख के मोदी जी ने हर किसान को सम्मान निधि देके 2000 रुपया 3 महीने लॉकडाउन में हम अपना पूरी पूंजी खा कर बैठ कर खा गए लॉकडाउन में पूरी पूंजी बैठ कर खा गए इसका घर से बेघर है बेरोजगार है कौन देखा आप तो कोई मुख्यमंत्री या कोई देखने आए हमको कोई बताइए हजारों साल बाद ऐसा कोरोना कोई आया था 100 साल पहले बताइए ये योगी जी की देन है मोदी जी की देन है कोरोना जो आया है हमको बता दीजिए ना ये आपदा अगर आती है पूरी पूंजी खा गए अपना बेरोजगार की तो है बस खाने का है ना रहने का है नहीं, कुछ नहीं है मेरा गांव घर भी था वो भी ढा गया बाजू में कोई कोई देखने आया है हम भी परेशान है। ये बताइए आप भाजपा का है तो आपको कहाँ है संगीता यादव से पूछिए संगीता यादव से पूछिए हम देखिए देखिए जो जैसा करेगा अभी साई जी ने कहा देखिए नहीं वो नहीं अगर संगीता जी नहीं आ रही है तो उनकी कमी है हमारी कमी नहीं है हमको जो सरकार दे रही है जनता तक बचाने के लिए हम उसका काम कर रहे हैं हम कार्यकर्ता दे रही है सड़क दे रही है अच्छी बताइए करोड़ों लोगों का आवास मिला क्या गलत है बता दे मीडिया के लोग जब गरीबों को मिला नहीं सब तो हम क्या जान रहे हैं यहाँ का विधायक कौन है कोई नहीं जानेगा क्या गांव में कोई घूम के पूछेगा यहाँ विधायक कौन है कोई नहीं जानेगा बताइए गांव में पूछा जाएगा तो विधायक का नाम जब आएंगे तब विधायक कब यहाँ आएगी
अब बताइए इस पर अभी खामोश हो गए, बहुत तेज बोल रहे हैं। पार्टी के लोग जाने, पार्टी के लोग क्या निर्णय लेते हैं उनकी बात है। हम कार्यकर्ता है लेकिन मेरा धर्म है अपने पार्टी के लिए जो भी कार्य हो रहा है वो जनता के बीच में लेना, हम बता रहे हैं। देखिए देखिए आप आंख बंद कर देखिए, देख नहीं रहे हैं जो सच्चाई है, जो सच्चाई हम उसको बता रहे हैं। ये बताइए कह दीजिए करोड़ों लोगों का आवास नहीं मिला है, कह दीजिए करोड़ों लोगों का सम्मान निधि नहीं मिला है, कह दीजिए करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं मिला, आवाज बता दीजिए ना, बता दीजिए आप करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है, बता दीजिए। अरे भाई ऐसा कैसे नहीं मिला है, क्या सब झूठ है? तो विधायक क्यों नहीं आती हैं गांव में? अरे तो विधायक पूछिए ना, नहीं जाके देखिए सब जाम पड़ा हुआ है, उसका जवाब आप दीजिए। लॉकडाउन में पूरा पूजी डूब गया, 2000 से देने से क्या कुछ होगा? पहले बताइए साईं जी कितना अपने पास है, हम लोग खिलाएंगे जिलाएंगे। साईं जी तो कर रहे हैं सब जो कर रहा है, संगीता यादव कबो ये गांव में अइबे नहीं कैली, कबो हमन देखबे नहीं कैली। चुनाव है क्या तैयारी? हम लोग जोगी जी के जिताएंगे। हाँ लॉकडाउन में बैठ के सब कौन लड़ेगा? अब देखिए जोगी जी क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में बैठ करके हम लोग अपना पूंजी खा गए, और लॉकडाउन में लॉकडाउन था, जब चुनाव आता है तो सारा चीज खुल जाता है, तब नहीं लॉकडाउन होता है, कोरोना तब नहीं फैलता है। जब गरीब आदमी खाने के लिए तरसता है तब लॉकडाउन रहता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, चलते हैं आगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बेहतर कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इसके लिए आप वहाँ नहीं गए थे क्या? कहाँ, बहुत शर्म सीमा पे चल रहा, शर्म हमारे लगा, हम गृहस्थ आदमी है, कौन शर्म लगा? शर्म नहीं बोला, शर्म पर चल रहा था डिबेट, आप नहीं गए। अखिलेश यादव बेहतर है? बेहतर है। कारण क्या है? अरे उनके समय नौकरी चाकरी डीजल फीजल सब सस्ता, 91 रुपया कुछ। कहाँ गए भाजपा जी? जरा इनका जवाब दे दीजिए। की बात कर रहे हैं आप, अखिलेश यादव सब केवल समाजवाद की बात करते हैं। नहीं सबको लेकर मैं भी यादव हूँ, सुरेश यादव पूर्व प्रधान हूँ, अखिलेश यादव केवल प्रधान है जी, समाजवाद की बात करते हैं जो केवल परिवारवाद करते हैं। अगर मुलायम सिंह के लड़के हैं अखिलेश तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इनका लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, जो केवल परिवारवाद चलाते हो क्या समाजवाद को देखेंगे और जनता को क्या देखेंगे? हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती थी कभी देखने नहीं आए, इस सरकार में देखिए कुछ नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ लेकिन कम से कम सरकार एक परिवार में 15 दिन खाने के लिए आटा से लेके चावल गेहूं आलू दाल सब्जी सब मुहैया कराया। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ लेकिन अखिलेश यादव की आप बात करते हैं जो केवल मैं भी यादव हूँ इस मतलब हमने तो पूछा नहीं। यादव लोग अखिलेश यादव के साथ रहते हैं तो मैं यादव हूँ, अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं रहता हूँ? क्योंकि वो केवल परिवारवाद चलाते हैं ना कि समाजवाद चलाते हैं, और कभी भी नहीं चला। तो इसके बाद कहीं पलटी तो नहीं मार, नहीं कोई पलटी की बात नहीं भैया, कोई पलटी की बात नहीं है। अखिलेश यादव का सरकार था तो 20% जनता राशन पाता था, और योगी जी के सरकार में मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हूं लेकिन योगी जी के सरकार में 80% जनता राशन, और 1.5 साल से जब से कोरोना आया महीने में 2 बार राशन फ्री मिलता है, महीने में आ जाइए आइए आइए 2.5 किलो मिलता है, ये तो है ना भैया। अब बताइए आप खामोश हो गए, बोल रहे का खामोश, हम चले गए बोल के सुनिए बताओ अखिलेश के जमाने में कितना डीजल था बतलाइए? 72-73-60 रहा, अब 91-92 हो गए वही सरकार में। अखिलेश योगी जी से इस मतलब नहीं है, टिकेंद्र सरकार का मतलब होता है, बोलिए। कहां है आधा अखिलेश थी नहीं है केंद्र है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से डीजल और पेट्रोल का दाम सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ता है, नुकसान आया हमन तक गृहस्थ आदमी हमन के डीजल चाहिए, आ डीजल करिया तुर दे जकर नहीं ट्रैक्टर भाई बताई आज जकर हमरे ट्रैक्टर बा हम उनकर खेत जोते जाब तब तक 1800-1900 रुपया बीघा जोतब डीजल की फीस ने जब हमारे पड़ता नहीं पड़े तब नहीं जोतब आ 2-3 चक्कर जोती दे ओकर बाद पता चलल कि जितना भइल ओतना बराबर हो जाए ने कोनो फायदा ना है नुकसान के लावा कोनो फायदा ना होई। हां सब नुकसान है जनता के लिए, हम के कैसे काम करी पानी ना आई बार चली तो धान गेहूं ना होई कैसे बाल बच्चे जी हैं सब मजबूरी है ही तेल तो पैसा मिलेगा मुआवजा बात है 2 बीघा 2.5 बीघा हमारा खेत बुड़ल बा ये किसान है गृहस्थ है बाढ़ में सब डूब गया है अभी ये आत्महत्या कर ले आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं उनको
हम मैं नहीं उठा रहा हूँ। जो कह रहे कि मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा इनको मुआवजा? खुद कर लेगा आत्महत्या, कौन कर लेगा? जेकर बुढ़लबा अब हमार अढ़ाई बीघा बुढ़लबा हमार बया बया रोवेला, एक बीघा हमारा डूब गए भाई, एको फूट के एकदम एकदम फूटल धान एकदम चली गई बारे भाई, ऐसा इतना बटल धान के ऊपर तो ये कुल गिरा सके है ना, गिरा से ही मार खाता था गरीबों का अत्याचार छोड़ के कुछ नहीं हो रहा। गरीब अगर अपना रोजी रोटी कुछ कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उस समय कोरोना आ जा रहा है और जब धंधा बंद करा दे रहे लोग क्या बोला सकता है, जो लगा कर अपना टेबल वाल लगा कर अपना जो धंधा करत टेबल आकर सिपाही पुलिस लोग तोड़ दे रहे हैं, उसके बाद से जब धंधा हुआ बंद हो जा रहा है और जब इलेक्शन आ रहा है तो सब कोरोना सब बीमारी दूर हो जा रहा है, कोई बीमारी आ रहा है कोई बीमारी नहीं, तब कोरोना खत्म हो गया है। बताइए आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई आ गया है, अखिलेश यादव का सरकार था तो गेहूं के रुपया क्विंटल आप बेचते थे 1200 रुपया क्विंटल, और इस सरकार में कितना बेच रहे हैं 1900 रुपया क्विंटल, कैसे महंगाई आ गया? उस समय 100 रुपये पचास आपका क्या नाम है? पचास का नाम है नहीं दिनों का अंसारी जी बताइए, वो जमाना में 50 किलो बोरिया मिले पहले जमाना में 280 रुपया। एम वाई जो समाजवादी पार्टी कहती है ना, एम और वाई कहती है नहीं कहती है, 400 रुपए बोरा देने के बाद भी खाद मिलता नहीं था इनके सरकार में, जब जाइए तब खाद लेके आइए, जब जाइए तब बिया लेके आइए, जो भी सब्सिडी है किसानों के खाते में वापस चला जाता है, योगी जी द्वारा ये किया गया। आप सिलेंडर कह रहे हैं महंगा है, किसके कौन सिलेंडर लेके तीन तीन दिन तीन तीन बजे रात को हम लोग लेके गैस एजेंसी पर जाते थे और 12 बजे 1 बजे दिन में लेकर के 24 घंटा लगभग लाइन में लगे रहते थे, तब जाके सिलेंडर मिलता था, तब भी नहीं रहता था कि आज 50 आया है 50 मिलेगा, लेकिन आज देखिए कम से कम कई हजार करोड़ गैस सिलेंडर उपलब्ध करा के नरेंद्र मोदी जी ने जनता का भला कर रहे हैं, एकदम खुले मंच से बोले कि निःशुल्क कराए जिसके पास एक पैसा नहीं है उसके, अब एक बार पता लगा हुआ केकर गैस वहाँ भरा था, अब केकर गैस वहाँ भरा था, केकर गैस भरा था, गैस भरा रहा है, अब जब केकर गैस वहाँ भरा था, भरा रहा है, कहीं कुछ नहीं, 500 रहा, 1000 गैस किसी होगा इसका, ऐसा होगा, 900 मिला, 900 अब पहले वाला करो 400 अब 950 मिला था, मिला था, पहले गांव में गैस 10 लोगों के घर था, अब सबके घर गैस है, और सर कोरोना काल है इसके बाद डाउन होगी, रेट डाउन होगी, ये समस्या सब्सिडी नहीं जा रहा है, पहले हमारा कम से कम साल भर से सब्सिडी बंद है, सब कुछ मिलता था लेकिन गैस 600 मिलता था, इस समय 950 एक बार महिलाओं कैसे गैस महंगा है, उस समय 150 रुपए उनके सरकार में मजदूरी मिलता था, अब इनके सरकार में 400 रुपए मजदूरी मिल रहे, तो कैसे गैस महंगा है? 3 दिन काम करेंगे तो 450 होगा, इनके 2 दिन काम करेंगे तो 800 होगा, किसान सम्मान निधि सबको 6000 रुपया साल में किसान सम्मान निधि मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। चलिए हम महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से हम बात करेंगे कि वो कितनी समस्या हमें 17 से लेकर जाने लगे। क्या नाम है चाची? मीरा। क्या हाल है? घर में पानी चल जाता, रोड नहीं बा, दुआरी क्या गई, रोड भास गई, ये तो नेता लोग के काम बा, इलेक्शन आ जाता घरे घरे माई बहन लोग खो जाता ना। विधायक आवे लेकिन नहीं कभी मन अखिये नहीं देखनी विधायक के, संगीता यादव कौन है ये कौन, अखिलेश यादव क्यों, मतलब क्यों कुछ करत नहीं बा, नेता लोग बेकार बा, एकदम बेकार है बना नेता, महंगाई इतना बा, लेबर मना कितना कमाई है, कोरोना बीमारी दबाव ले जा, चुनाव आवता तब नेता लोग पता लगे, बाकी नहीं नेता लोग लगते हैं, लाइन के बिल उन्हीं माफ होई, ऐसे गरीब मर जाये हैं, बोली सवाल लाइनिया के बिल के माफ करे पहले विधायक लोग करे माफ, पहले ना महंगाई रहा है, पहले ना कोरोना रहा है, अब कोरोना आयल बा, लाइनिक बिल माफ कराई, कड़ू तेल ना महंगाई बा, आ कबो संगीता यादव तो हम सपनो में नहीं देखनी कैसन बाड़ी, ओटवा के दिल में ओटवा जे उठा त एक दिया जात रहल है, अरे बहुत चालू बाड़ू तू बताओ, चालू बाड़ू का चालू बाड़ी सुनी, आज के दिलु के फूले के फूल एक जात रहली सन साइकिल पर के लाइ, अब वो देम सनु नहीं कैसे कहिना, बहुत काम कहिना, योगी जी हां
देखी कोरोना में नहीं कोरोना भर आलू बटली प्याज बटली नमक बटली प्रधान के बाबू सब घर घर शादी ब्याह करौली मरनी जिये नहीं देखली पड़ल गिरल देखली आ संगीता यादव कब्बो भोसड़ो गौगन नहीं अइली कितन उनके देख ले कहे घर जाने चंदर गई चली रोड देखे मर दुवारी पे अरे अरे चली देखी हेला रोड हमर दुवारी फासल बा हम रो रो के खाना खाली रो रो के खाना खाली बताई नहीं ना पानी लगल बा थरिया से उधायली भदेली उधायली कैसे मरी संगीता यादव सुनी अगर प्रधान ना जलो तो अगर प्रधान ना रहते ये प्रधान जे भइल बा ये प्रधान दुवारी पहिले हमन के नीमक आलू अपन चाहे खेत बेच के चाहे अपन घर बेच के मन के जिया वाला है केहू अधिकारी हमन के दरवाजे ना नुवा तारा पानी बारा अधिकारी आ इनके सरहाल के लॉकडाउन भर सब बच्चे जिया ले ओकर पहिले भी जिया ले हमला संगीता यादव दरवाजे पर तरियत का करू आ उठिन तो उनके देखौ के अपन हर्ज कर देना कि आई हम गरियाओ तुम तो कहां आई है अगर जाय में जब कोन करबे ना करिन तो कर जाय ना है आ उनके सपन हम ना देखली त आई त लेके बीमार पर जा सब भाग के जात है सीधा नहीं रहता भेज बाबा को नहीं तो अपन शादी पर आवे तो ना भेज बाबू कैसे नहीं कुछ नहीं कही जी वैसे नेति नेता सब चम चलो बच्चे खिया बे भाई गरीब दुखिया पहुंचा नहीं के कहां से का बिजली बिल अपना जी रत महीना में 2000 रुपया बिजली बिल गिर जाता आ नारी हमर का बोलेला भ्रष्ट हो गइल बाटे गैस देवे के दे दिहनी पहले 500 में भरा तरा ले अब का बोलेला 950 रुपया 1000 रुपया भरा त कैसे के गरीब दुखिया बनाई या खाई कैसे उपासन करी महीना में बिल आओ तब उनके दे कौन सरकार दे कहां से आए बिजली बिल माफ करा दी हाँ बिजली बिल माफ हो जा आ जोन काम बा मतलब रोड रोड टूटल बा बन जा पानी के उधाई ये आनंद साहब उधाई में बाकी के नेता बा नहीं उ नेता रह में तब गोनाई रहनी तब गांव को खोजत रह ना करत रह ना कोला के देखत रह के ऊपर धानो रह तो सब बोई खड़ा रह ना ना के ऊपर सब बोई खड़ा बा ए थे गोरखपुर के कुसमी बाजार के लोग थे इनका साफ कहना था बीजेपी से तो नाराज नहीं है लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायिका जो विधायक हैं संगीता यादव उनसे काफी नाराजगी। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।